हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन पाइपलाइनिंग, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट 2015 के एग्जाम में आ चुका है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। कंसिडर अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर विद अ क्लॉक रेट ऑफ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ एंड एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन ऑफ 4। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर का दिया हुआ है और उसमें वो बोल रहा है कि पर इंस्ट्रक्शन 4 क्लॉक पल्स चाहिए, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को 4 क्लॉक साइकिल लगेंगे, और हरेक क्लॉक साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या दे रखी है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़। और अगर जब इस प्रोसेसर को, द सेम प्रोसेसर इज अपग्रेडेड टू अ पाइपलाइन प्रोसेसर विद 5 स्टेजेस बट ड्यू टू द इंटरनल पाइपलाइन डिले द क्लॉक स्पीड इज रिड्यूस टू 2 गीगाहर्ट्ज़। एज्यूम दैट देर इज नो स्टॉल इन द पाइपलाइन, द स्पीड अप अचीव्ड इन द पाइपलाइन प्रोसेसर इज दिस। और ये मेरे पास 4 यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड अप फाइंड आउट करना है, और स्पीड अप का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन डिवाइड बाय टाइम टेकन विद पाइपलाइन। तो सबसे पहले हमें टोटल टाइम निकालना है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम विदाउट पाइपलाइन, और फिर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम विद पाइपलाइन। तो सबसे पहले विदाउट पाइपलाइन की अगर हम निकालते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है कि हरेक इंस्ट्रक्शन को, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को कितनी क्लॉक पल्स लगती है, 4 क्लॉक पल्स लगेंगी, और हरेक क्लॉक पल्स का टाइम कितना है। यहां पे हमें टाइम नहीं दिया हुआ कि एक क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन इतनी है, यहां पे फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़। और इसको अगर हम टाइम पीरियड में कन्वर्ट करें तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां से हम टाइम ड्यूरेशन जो है वो निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो यानी स्पीड अप अगर हम फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम मेरे पास कितना है विदाउट पाइपलाइन, 4 दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, और हरेक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो क्लॉक पल्स चाहिए उस क्लॉक पल्स की टाइम कितना है, 1/2.5×10^9। ये जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज गीगाहर्ट्ज़ है तो 10^9 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर दी है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप 1/frequency कर दो, टाइम दी और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/time, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेरे पास टाइम आ गया विदाउट पाइपलाइनिंग। और अगर हम बात करें विद पाइपलाइनिंग, तो विद पाइपलाइनिंग में मेरे पास टाइम कितना लगता है, विद पाइपलाइनिंग में हम क्या बोलते हैं, आइडल कंडीशन में, आइडल कंडीशन का मतलब है कि व्हेन देयर इज नो स्टॉल इन द पाइपलाइनिंग, तो आइडल कंडीशन में मेरा सीपीआई क्या होता है, 1। सीपीआई 1 का मतलब क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन मेरी कितनी लगेगी, 1, यानी एक क्लॉक पल्स में मेरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एक क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन कितनी है, एक क्लॉक पल्स की यहां पे ड्यूरेशन दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो आप ड्यूरेशन निकालने के लिए अगेन 1/2×10^9 सेकंड में कन्वर्ट कर लो, यानी इतना टाइम लगेगा एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में विद पाइपलाइन, और इतना टाइम लगेगा एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में विदाउट पाइपलाइन। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4×1/2.5×10^9 ÷1/2×10^9। तो ये सेकंड में ही है सारा आंसर मेरे पास। तो इसको अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर यहां पे आएगा 4/2.5×2 और 10^9 से 10^9 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 8/2.5। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.2। इसको जब आप सॉल्व करोगे 80/25 हो गया, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.2। यस, तो यानी आपके स्पीड अप का फॉर्मूला क्या आ गया, स्पीड अप की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 3.2। इस तरीके से जो है हम जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पाइपलाइनिंग में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन दोनों ही आने के चांसेस रहते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो ऑलरेडी गेट 2015 में आ चुके हैं। थैंक यू।